ये सिपाही लोग पहनते थे ना, अलादीन वाला झंडा देखो, उसमें लोगों का अपना अपना झंडा हुआ करता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं भी कैसा फालतू को सवाल पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली आप लोग अच्छे ही होंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों एक्चुअली मैं, आज संडे है और टाइम हो रहा है 4:45 हो रहा है, 4:45 शाम का 4:45 हो रहा है। और कल हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत जगह घूमे, बहुत कई जगह गए। और कल हम लोग एक स्पेशल जगह गए, जो कह सकते हैं कि आप, वो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था, कुछ कल्चरल इवेंट्स टाइप का गोरखपुर में। वो एक वाणिज्य करके संग्रहालय टाइप का है, क्या है अभी उसको वो क्लियर नहीं है। अभी नई बिल्डिंग बनी है, ये नौका विहार के पास है, और मे बी मैक्सिमम हमें जहाँ तक लग रहा है कि वो कल्चरल इवेंट ही होगा। और हम लोग अचानक से, हमको पता चला जब हम लोग उधर थोड़ा सा घूमने गए थे। एक्चुअली मैं कल का वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि मैं एक वीडियो में डाल नहीं सका, इसलिए मैं हाफ पार्ट ही वीडियो में डाल पाया हूँ, और सुबह 8 बजे पब्लिश हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। और कल का जो बाकी पार्ट है, जो हम लोग तो स्पेशल जगह गए थे, वो अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रहा हूँ। और आज अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी देखते हैं आज शाम तक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाइए, इतना ज़्यादा बढ़ाइए कि हमें भी मज़ा आए इसको बनाने में। और काफ़ी चीज़ें हैं अच्छी हैं, ज्यों ज्यों लाइफ बढ़ती हैं चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, हमें नई चीज़ें समझ में आती हैं, और कहीं ना कहीं एक मेमोरी टाइप की हो जाती है, बहुत मज़ा आता है। पानीपुरी का ठीक हुआ, इसलिए चाय पिया, एक स्वाद लिया, और तब तक मन कर दिया कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये खाना पड़ा। हमको लग रहा है गोरखपुर में यही एक जगह है,
तो थोड़ा सा इवनिंग आउटिंग टाइप का, नहीं फास्ट फूड वगैरह स्ट्रीट फूड का एक जो है हब टाइप का, ठीक है। नौका विहार एक क्या है, अब तुम बोल दिए तो घुमा के देख ही लें कि है क्या आखिर में। टर्न भी खोले हैं थोड़ा मौसम का मज़ा लेने के लिए। देखो यहाँ से मुड़ जाएगा ना ये, देखते हैं कौन सी बिल्डिंग बनी है। मैं गाड़ी ऐसे चला रहा हूँ जैसे हम लोग कहीं सर्च पे चल निकल रहे हैं धीरे धीरे। देख रहे क्या है ये, तो आलिशान बिल्डिंग है, उस पर कुछ लिखा हुआ है ना गोल्डन कलर से। आर्यावृत इस पर नहीं, वो वाला, वो आलिशान जो सुपर व्यू दिख रहा है तुमको। अभी गेट बन रहा है, देखो ये रावण वावण का मूर्ति बना गया है। क्या है भी? तुम्हारा छोटा भाई लग रहा है, देखोगे सात रंग। देखो यहाँ सात रंग रखे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बीस पच्चीस रंग। गाइस ये 75, अच्छा 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, 775वां वर्ष आज़ादी का। अच्छा ये मतलब हमको लग रहा है गोरखपुर की संस्कृति के आधार पर ये म्यूजियम है, अपने देश की संस्कृति भी बना है। जो आप देख रहे हैं ये सांस्कृतिक प्रोग्राम था और हम लोग मिस कर दिए, हम लोग बहुत अनलकी रहे हैं।
लग ही रहा है ना? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, उल्टा आज आराम से देखे हम लोग। अरे तो उखड़ा हुआ देखे ना लास्ट वाला, समापन के दिन आया 8वीं तारीख, बाकी दिन शांति कोरोना से दूर रखे हैं। हाँ ये बात सही है, भीड़ भाड़ से दूर। तो पिछले 4 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा था दोपहर के 1 बजे से लेकर के बैड लक कोरोना लक। सब सन्नाटा हो गया, अभी तो 9:30, अरे तो 9:30 हो गई है, अब 9:30 बंद होने का टाइम है पूरा। नहीं आए आज से शायद वो भी लग गया ना, वो क्या कहते हैं चुनाव के पहले जो आचार संहिता।